गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम हो गया है जी आपका हमारे न्यू ब्लॉग में। तो जी आज है सैटरडे और मैं अभी सुबह सुबह बना रही हूँ पाइनएप्पल शेक। और ये पाइनएप्पल शेक बना रही हूँ मैं अपने लिए और हमजा के लिए, क्योंकि जैसे ही मैं उठी उसके 10 मिनट के बाद हमजा भी उठ गए। तो मैंने कहा चलिए अब हमजा उठ गए हैं तो कुछ ना कुछ बना लेती हूँ ऐसा जो झटपट से बन जाए और दोनों लोग पी लें, फिर उसके बाद मैं ना अपना वीडियो वगैरह अपलोड करूँगी। क्योंकि सुबह सुबह उठ कर ही मुझे थोड़े से वीडियो का काम होता है, वो एडिटिंग में जो भी रह जाता है वो करती हूँ और फिर उसके बाद वीडियो अपलोड कर देती हूँ। क्योंकि आज है सैटरडे तो इनको सैटरडे स्कूल नहीं जाना है, इस वजह से आज इनकी छुट्टी है, वरना मैं इनको स्कूल भेजने के बाद वीडियो अपलोड करती हूँ। अभी मैं इससे पूछ रही थी कि तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए, तुम्हारे पास छुट्टी है, तुम सोते रहते हो और थोड़ी देर, तो कह रहा है कि कोई बात नहीं मम्मा मैं दोबारा जाके सो जाता हूँ। तो देखिए मैंने वीडियो अपलोड कर लिया, उसके बाद मुझे बहुत लो फील हो रहा था क्योंकि मैंने सुबह सुबह नाश्ते में ले लिया था पाइनएप्पल शेक जो कि मीठा होता है। और मैं जब भी सुबह सुबह मीठा खा लेती हूँ ना, फर्स्ट मील हमारा अगर मीठा होता है तो यकीन माने मेरा पूरा दिन बॉडी जो है वो बहुत लो फील करती है, मेरा बीपी लो हो जाता है, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैंने को कुछ ऐसा खाया जाए जिससे अच्छा लगे, तो मैंने फिर एक अंडा बनाया और एक ब्रेड लिया और उसको बस फिर मैंने ये खाया ताकि मुझे थोड़ा सा एनर्जी सी आई। तो मैं चली गई मशीन लगाने के लिए, मैंने कहा एनर्जी आई है इसको वेस्ट नहीं करते हैं, अब इसको कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं। तो कपड़े धोने थे तो मैं मशीन लगाने लग गई और फिर मशीन लगाया तो मैंने कहा आप लगा रही हो तो सारे कपड़े धोए, तो बच्चों की ड्रेस वगैरह। और देखो मैं जो भी गंदे कपड़े होते हैं ना मैं कहीं बकेट में इधर उधर नहीं रखती हूँ, मैं सीधा डायरेक्ट मशीन में डालती हूँ ताकि जब भी धोने जाती हूँ ना तो फिर मुझे इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सारे मशीन में से निकालती हूँ और वापस से धोना स्टार्ट कर देती हूँ। और ये ना क्लिप थे जो कपड़ों पे लगाने थे ये मैंने हमजा को दिए थे कि रखने के लिए और हमजा ने डायरेक्ट मशीन में ऐसे छोड़ दिए। वैसे आज सैटरडे है, हमजा रियान की स्कूल की छुट्टी है पर ट्यूशन ना इनकी सुबह की हो जाती है 11 बजे की, तो इसलिए अभी इनको उठाना है मुझे, रैयान को उठा के फिर उसके बाद इनको ट्यूशन भेजना है। तो उससे पहले मैंने कहा जो मेरे छोटे मोटे से काम है वो सारे ख़त्म कर दूँ, क्योंकि 10 बजे तक उठाऊँगी ना इसको, 9:30 बजे तक तो ये आराम से रेडी होकर चला जाता है नाश्ता करके। तो इस वजह से मैंने कहा छुट्टी है तो देर तक बच्चे को सोने देते हैं। अभी मैंने सोचा कि पहले चाय बनने के लिए रख देती हूँ फिर जाकर रैयान को उठाती हूँ। तो रैयान के पास गई तो देखा कि रैयान ऑलरेडी उठे हुए हैं, दोनों भाई वहाँ पर मज़े से खेल रहे थे। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, और बिना आवाज़ किए दोनों भाई खेल रहे थे। तो मैंने कहा पहली बार ऐसा है कि तुम दोनों भाई बिल्कुल शांति से खेल रहे हो, अच्छा लगा, ऐसे ही खेला करो शांति से तो घर में शोर नहीं होता है और बाकी के काम भी आसानी से हो जाते हैं। तू रहे ना मेरे बिना, मैं रहूं ना तेरे बिना। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं ट्यूशन से आ गया हूँ, देखिए मेरा पूरा आउटफिट, मैंने पजामा पहन लिया फ्रेंड्स, अब दिखाता हूँ मम्मा को। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं जी आप सभी और वेलकम हो गए जी आपका हमारे न्यू ब्लॉग में। तो देखिए पूरा पूरा ये तो सच में कर दिया इसने, ये क्या किया? अरे कैसी तो फाड़ डाला ना, अब पापा मारेंगे देखना अब तुम पिटोगे, इसने तो सच में फाड़ दिया सारा सोफा। देखा इतने टाइम में छोड़ो कैची, बहुत ही मुश्किल से कट रहा है, कैची छोड़ो पापा मारेंगे रैया, आज सच में तुम मार खा जाओगे पापा के हाथ से। देखो पापा अभी सो रहे हैं और अगर पापा पीटेंगे ना मैं नहीं बचाऊंगी। तो क्यों फाड़ा तुमने, क्यों फाड़ा? मजा आ रहा अभी, देखो अभी जब सजा मिलेगी ना फिर पता चलेगा कितना मजा आया था। मत करो रैया, सुनी रहो, मत करो, एक चीज काट दे, नहीं बिल्कुल नहीं मम्मा, अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं, अरे बस खचक काटनी है। अच्छा हम लोग सोच रहे थे सोफा चेंज करके दूसरा ले लेंगे, ये बहुत ही मेहनत का है, तो मेहनत का काम है तो क्यों कर रहे हो, मत करो अब रैयान, तो सच में मार खाओगे भाई, मैं नहीं बचाने वाली, मैं जा रही हूँ, अच्छा मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ, अब इसके बाद जो भी हो अपने आप से देख ले, मैं बस उठा के बोल दे रही हूँ पापा को और मैं जा रही हूँ नमाज पढ़ने। रैयान सच में पिटोगे तुम, नहीं सुन रहे हो भाई क्या कह रहा, पहले सुन करो, पहले पहले कर रहा और उसको काटे जा रहा, तुम्हें डर क्यों नहीं लग रहा है कि तुम पिट जाओगे? नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा? मम्मी अरे बहुत ही अभी जब ये पिटेगा ना तब पता चलेगा। मम्मा पापा आपको बुला रहे, पापा कह रहे सोफा कम बेड खरीद लो। क्या सोफा? पापा तो सो रहे हैं, मैंने बुलाया आपको, सोफा कम बेड खरीद लो। अच्छा सोफा कम बेड खरीदो, तो तुम दोनों भाइयों की मिली हुई थी ये हैं चीज़, ये हरकत तुम लोगों ने मिलके की है ना? नहीं तो मैंने थोड़ी ना ये प्लान मेरा, तो वहाँ पर दो कैची कैसे थी?
दो कैची कैसे थी? एक ये इससे पहले जब आपने बोला था तो हम ले गए, तब मैंने वहीं जाके रख दी, तुम लोग अपना। हमजा मैं कोई सीरियस थोड़ी बोल रही थी, तुम्हारे पापा तो एक जवाब तक नहीं दिया तो उन्होंने, तुमने ये सब काम कर दिया। नहीं तो मैंने थोड़ी ना किया उस। और ये देखो मजे से सो रहे हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। यहाँ कहते ना घर के सामान जो उजड़ रहे हैं, वो अभी अपने सपनों की दुनिया में है, उड़ान भर रहे हैं। अभी भी नहीं सुन रहे, अभी भी नहीं उठे हैं। चले कोई नहीं, मैं जा रही हूँ फिर नमाज पढ़ने के लिए। नहीं मैं कुछ नहीं बोलूंगी, अपने आप देख लेगी, अपने आप पता चलेगा, फिर जो होगा वो तुम लोग देखना, मुझे क्या है। चलो मैं नमाज पढ़ लेती हूं। फिल्म की रियान की फिल्म देखेंगे। अच्छा कितना होशियार है, रियान की फिल्म देखेंगे, मतलब पिटेगा तब ये मजे लेंगे। देखो अभी फिर से दिखाती हूँ ये कर क्या रहा है। ए, ये मानेगा नहीं ये। अरे कैसे खुली नहीं पूरा का पूरा अलग कर दिया, अभी देखना पिटोगे तुम बेटा जी। देखो ये कपड़े वालों में ना ज्यादा कुछ नहीं अच्छे से लगाते हैं, देखो अंदर इसमें क्या लगा रखा है, बस कपड़े लगा के सामने से कवर कर देते हैं, बाकी ये अंदर तो कुछ भी नहीं रखा है। देखना इसकी मार ना पड़े तो इसलिए मक्खन लगाने आ गया, पापा के पैर मीज रहे है ना रियन, इसीलिए ना। बहुत तेज हो रहा है। तो मैं तेल लगाकर देखो फूला हुआ है, काम बिगाड़ के आए और उसके बाद मक्खन लगाने आ गए। चलो मैं हाथ पैर दबाता हूँ, मारो नहीं। तभी तो इनका नाम दिए मिनी मफिन्स। यस। और गाइस ये ना गरम कर दिया भाई ने, तोड़ना ये गरमा। तो गाइस मफिन्स रेडी हो गए हैं और ये दोनों भाई बैठ गए हैं अपना कार्टून देख रहे हैं। यस अब थोड़ा सा बैटर बच गया था तो उसमें मैंने केक रख दिया है, इसको रखे हुए काफ़ी देर हो गई, ठंडे हो गए तो चलो अभी ये बच्चों को दे देती हूँ। मैं भी तो देखूं भला बहुत यम्मी है। चलो आ दे, वो लोहे में रख रहे थे अंदर से, ये ना अभी भी थोड़े से गर्म है पर मजे के, थोड़े से गर्म है पर बहुत ज़्यादा मजे के। इसे बेक हो गया और खुशबू इतनी अच्छी आ रही ना, मेरा मन कर रहा है मैं यहीं से थोड़े खा लूँ पर ऐसे नहीं खा सकती क्योंकि अभी ये बहुत गर्म है, मेरा मुंह जल जाएगा। मुझे तो लगा था ये सोफा देखने के बाद हस्बैंड जी बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाले, पर ऐसा नहीं था, उनका तो बिल्कुल फीका सीरियस, मतलब उन्होंने ऐसे इग्नोर किया कि कोई बात नहीं छोड़ो। उनका मतलब ये था कि मेरी गलती थी कि बच्चे ने ये काट दिया, क्यों काटा, क्योंकि मैंने बोला था क्या था इससे पहले ना बात हो रही थी ऐसी, हस्बैंड जी से मैंने कहा उठो उठो, वो उठे नहीं, सोने लगे, तो मैंने कहा चलो ऐसा करो, अच्छा सोफे को ना हम लोग यहाँ से हटा दे फिर मैं इस कमरे को अच्छे से करती हूँ। तो उन्होंने कुछ भी आंसर नहीं दिया, जब आंसर नहीं तो मैंने हमजा से ही कह दिया कि हमजा कैंची लाओ चलो उसको काटते हैं चल करके, जब काट के फिर उसके बाद तो इसको कूड़े में दे देंगे ना। तो इसी वजह से उनको बस ये था कि मैंने बोला था तो बच्चे ने कर दिया, इसीलिए उन्होंने कुछ नहीं बोला, कुछ भी मतलब मेरी गलती है तो वो अब जो भी है मैं देखूं, गलत हुआ अच्छा हुआ जो भी हुआ पता नहीं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। आज ये नाराज़ हो गए और इनकी नाराज़गी की वजह से मेरी तबीयत भी ऐसी होने लगी है, मेरे सच में मैं टेंशन ले लेती हूँ झट से, मैं कुछ भी सोचने लग जाऊँ तो मेरी तबीयत बिगड़ने लग जाती है। और आज मैं वही सब सोच रही हूँ कि इन्होंने कुछ भी बोला नहीं लेकिन अंदर ही अंदर इनके चल रहा है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मैंने करवाया है इस वजह से, और पता नहीं कभी कुछ बोलेंगे, और जिस दिन बोलेंगे ना उस दिन बस मुझे यही बोलेंगे कि मेरी वजह से। चलिए कोई बात नहीं, जो होगा मंजूर है खुदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, आई होप आप लोग इसको लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करेंगे, अपने फैमिली को फ्रेंड को सबको शेयर कीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।